गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है सीबीएसई के लिए, इफ साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू एंड कॉस ए प्लस फोर बी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए एंड ए और बी दोनों की वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए या 90 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि ये एक्यूट एंगल होंगे या फिर राइट एंगल्स होंगे। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए कि ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो आपके पास गिवन है उसका सॉल्यूशन करेंगे यहां पे। तो सॉल्यूशन में साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, रूट थ्री बाई टू। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी होगी और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने साइन की जब वैल्यू पढ़ी होगी साइन थीटा की, तो साइन थीटा के थीटा की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे वैल्यू क्या हो जाए, रूट थ्री बाई टू हो जाए, रूट थ्री अपॉन टू हो जाए। तो साइन के केस में रूट थ्री अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री। किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू। तो यहां पे अपन लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, ए प्लस टू बी ये सेम टू सेम लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो यहां पर कंपेयरिंग की जाएगा, तो ऑन कंपेयरिंग ए प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। ओके सिमिलरली अपन लोग यहां पे ये करेंगे, क्या लेंगे, कॉस